What's up everybody? Assalamualaikum. Hope you're doing okay. यार आप लोगों ने मुझे इस चैनल के ऊपर महंगे जूते भी रिव्यू करते देखा है, सस्ते जूते भी रिव्यू करते देखा है, बहुत सारी मार्केट्स भी रिव्यू करते देखा है। जब हम जूतों की बात करते हैं कराची में ख़ास तौर पे, तो अगर आप सस्ते जूतों की बात करें तो सबसे पहली जो मार्केट है या सबसे पहला जो इलाका है वो हर किसी के दिमाग में लाइट हाउस आता है। बट आज मुझे लाइट हाउस का भी एक बेहतरीन किस्म का अल्टरनेटिव मिल गया। कुछ दिनों पहले मुझे एक ऑनलाइन स्टोर के बारे में पता चला जिनका नाम है khazane.pk और इन लोगों का सेटअप बेसिकली वही है कि ये लोग यूज शूज बाहर से इंपोर्ट करते हैं और यहाँ पे उनको क्लीन करते हैं, साफ करते हैं, अच्छे तरीके से बना के चमका के ऑडियंस को बेचते हैं। अब इनके जूतों के अंदर मुझे कुछ चीजें जब मैं इनकी साइट पर गया ऐसी मिली जो मैंने बोला यार ये चीजें पाकिस्तान के अंदर तो मुझे नहीं मिली पहले। तो आज हम khazane.pk का पूरा प्रोसेस आपको दिखाएंगे, तो लेट्स गेट द वीडियो स्टार्टेड। अच्छा भाई, तो इस वक्त हम आ गए हैं khazane.pk के वेयर हाउस के अंदर और आप मेरे पीछे बहुत बड़ा सा ढेर देख रहे होंगे और अगर आप मुझे जानते हैं तो आपको अच्छी तरह अंदाजा हो गया होगा कि ये मेरे लिए एक बड़ी ब्लिसफुल जगह है, बड़ी सुकून की जगह है क्योंकि मेरे चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ जूते नजर आ रहे हैं। हर किस्म का जूता है, हर लेवल का जूता है। अभी हम आपको थोड़ी देर में प्रोसेस दिखाते हैं कि यहाँ से जूते जो है जब आते हैं तो उनके बाद उनके साथ क्या होता है एंड फाइनली आप तक पहुँचने में उनके बीच में क्या क्या स्टेप्स आते हैं। बट बिफोर वी डू दैट लेट्स गो चेक आउट सम शूज। अच्छा यार, तो जूते तो आपने देख लिए, अब आपको मेरे पीछे बहुत सारे थैले यहाँ पे नजर आ रहे होंगे जिसके अंदर जूते भरे हुए हैं। यहाँ पर मैंने कुछ थैले जो हैं खुलवाए हैं। अब इसलिए होता ये है कि यहाँ पर इनके पास ये सामान आता है, प्राइमरली US से आता है, तो यहाँ पर आने के बाद इस तरीके से बेसिकली इनकी छटाई होती है, फिर इनके पास एक फैसिलिटी है उसमें जाके इनकी क्लीनिंग होती है बड़े ज़बरदस्त तरीके से, बिल्कुल इंडस्ट्री स्टैंडर्ड की क्लीनिंग करते हैं ये लोग। उसके बाद जाके उनकी ड्राइंग होती है और ड्राइंग के बाद ये अपने वेयर हाउस में जाके रख लेते हैं, जिसके बाद फिर ऑब्वियसली वेबसाइट पर जाते हैं। अभी हम इनके वेयर हाउस को भी जाके चेक करेंगे, बट बिफोर दैट लेट मी शो यू गाइज अ फ्यू शूज दैट आई रियली रियली लाइक। तो ये अभी एक अंडर आर्मर का नियॉन ग्रीन और पर्पल बहुत ज़बरदस्त मुझे जूता ही नज़र आ रहा है। फिर दे हैव अ कपल ऑफ पर्पल्स हियर, आई थिंक दीज आर एसिक्स, प्रीटी गुड शूज। देन आई थिंक एडिडास के मुझे यहाँ पे एक बूस्ट अल्ट्रा बूस्ट भी मिला है, दे हैव अल्ट्रा बूस्ट हियर एज वेल। तो बेसिकली इनके पास एक लॉटरी है, आपको डिफरेंट किस्म की डिफरेंट तरीके के जबरदस्त किस्म के जूते मिल सकते हैं। नाउ लेट्स गो चेक द वेयर हाउस। अच्छा भाई, तो अभी हम आ गए हैं खजाने के वेयर हाउस के अंदर एंड एज यू कैन सी अराउंड मी आपको सिर्फ जूता ही जूता नजर आ रहा होगा। और अगर आपको लगता है कि जो इनका गोदाम था वहाँ पे जाके मुझे खुशी हुई है, तो भाई यहाँ पर तो आपका भाई 5th, 6th, 7th, 8th, 9th हेवन में है, बिकॉज खूबसूरत जूते भाई के आसपास ही हैं। एक जो बहुत ज़बरदस्त चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा वो ये कि देखें, एडिडास और नाइकी के जूते तो वैसे आपको पाकिस्तान में भी नॉर्मली मिल जाते हैं, बट इनके पास ऐसी बहुत सारी ब्रांड्स भी मिल जाती हैं जो आपको पाकिस्तान के अंदर नहीं मिल सकती। तो फॉर एग्ज़ाम्पल लेट्स से मैं आपको यहाँ से कुछ निकाल के दिखाता हूँ। दिस इज़ एसिक्स। एसिक्स के जूते यूजली रनिंग शूज़ आपको बहुत कम पाकिस्तान के अंदर मिलते हैं, तो इसकी काफ़ी ज़्यादा क्वालिटी और क्वांटिटी इनके पास मौजूद है। इसी तरीके से ऑन क्लाउड नाम ही एक स्विस ब्रांड का रनिंग शू है और मैं आपको बताता चलूँ कि इसमें से बहुत सारे जूते ऐसे हैं जिनकी एक्चुअल प्राइस 150, $120, $140 से स्टार्ट होती है। सो द काइंड ऑफ डील्स दैट यू गेट ऑन khazane.pk दे आर प्रीटी इनसेन। मैं दो तीन ब्रांड्स आपको और दिखाता हूँ ताकि आपको अच्छी तरह अंदाजा हो जाए कि और किस किस तरीके का माल है इनके पास। बहुत सारे लोग मुझसे अक्सर पूछते हैं कि भाई न्यू बैलेंस पाकिस्तान में कहाँ से मिलेगा, तो इस वक्त मेरे हाथ में न्यू बैलेंस का ये रनिंग शू है, तो न्यू बैलेंस भी इनके पास बहुत वाफिर मकदार में मौजूद है। देन वी हैव अ ब्रांड विद द नेम ऑफ ब्रुक्स। आई डोंट नो अलॉट अबाउट दिस, बट अगर आपको ब्रुक्स के बारे में पता है तो आपको इनका जूता भी यहाँ से मिल सकता है। फिर मैं यहाँ पे घूम रहा था तो मुझे एक फीमेल हेलो किटी वाला वैंस भी नज़र आया और आई एम प्रीटी श्योर इनके पास वैंस में और भी चीज़ें पड़ी हैं। बट एक चीज़, एक्चुअली दो चीज़ें जो मुझे बहुत ज़बरदस्त लगी। पहली चीज़ ये कि जॉर्डन 6 खूबसूरत तरीन जूता और इसमें मेरा साइज़ अगर होता तो बहुत ज़बरदस्त बात होती, बट ये खैर बहुत छोटे बच्चों का साइज़ है। और दूसरी चीज़ ये कि नाइकी एयरफोर्स वंस के हाई टॉप्स इनके पास मुझे मिल गए।
अगेन अनफॉर्चुनेटली नॉट इन माई साइज, बट इसके साइज का भी होगा, इसकी किस्मत में आ जाएगा। तो ये है इनके जूतों का सीन। अब मैं आपको जरा जल्दी से चल के इनके फाउंडर से थोड़ी गुफ्तगू करवाता हूँ, एंड देन वी आर गोना गो होम रिव्यू अ कपल ऑफ देयर स्नीकर्स। अच्छा भाई, तो मैं इस वक्त ऑफिस में आ गया हूँ और मेरे साथ इस वक्त यहाँ पे उस्मान भाई हैं, हु इज़ दी फाउंडर ऑफ खजाने.pk। तो हम जरा जल्दी से इनसे पूछ लेते हैं कि ये ब्रांड जो इन्होंने बनाई है, इससे आवाम को क्या फ़ायदा है। बेसिकली रामेश, यहाँ पे जो हम खजाने में सेल कर रहे हैं, वो सबसे बड़ा जो फ़ायदा ये है कि 100% ऑथेंटिक स्नीकर्स हैं, और दूसरा ये है कि इनकी जो प्राइस रेंज है वो जो आजकल मार्केट के अंदर जो नॉक ऑफ्स और रेप्लिकास बिक रहे हैं उनसे कम है। फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ पे देखें न्यू बैलेंस शू की बात कर लें, ये दिस इज़ एज गुड एज न्यू। ये अगर आप नया खरीदने जाएँ तो $120 $150 का आपको मिलेगा। इनफैक्ट जितने भी जूते रखे हुए हैं, ऑन क्लाउड हो गया, ये होका हो गया, यहाँ पे नहीं मिलते, ये सबकी प्राइस जो है वो $150 से स्टार्ट होती है, और वो हम बेच रहे हैं 6,000, 5,000, 3,000 डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन। अब फाइनली बात आ गई है सर्जरी की, तो हम इनसे जूता उठाते हैं और घर चल के स्टूडियो चल के उसको देखते हैं। लेट्स टेक इट अपार्ट एंड सी के जो इतनी इन्होंने क्लेम्स करें वो सही हैं या नहीं। सो सी यू इन अ बिट। अच्छा भाई, तो हम लोग जूते लेके वापस अपने स्टूडियो आ गए और मेरे सामने इस वक्त आपको 3 pairs जो हैं रखे नज़र आ रहे होंगे। अब मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ कि सेटअप क्या है। सो खजाने.pk ने एक जो बड़ी अच्छी चीज़ करी है वो ये करी है कि अपना जो स्टॉक है उसको उन्होंने 3 हिस्सों के अंदर डिवाइड कर दिया। तो एक जो उनकी क्वालिटी होती है वो होती है वेरी गुड, एक जो क्वालिटी होती है वो उनकी होती है एक्सेलेंट, और तीसरी और सबसे बेहतरीन जो क्वालिटी होती है वो होती है प्रीमियम। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि यार इन 3 qualities का हमें कैसे पता चलेगा। तो भाई देखें, जब भी यूज़ जूता किसी के पास आता है तो यूज़ जूते के ऊपर वेयर एंड टेयर हुई भी होती है, कितना यूसेज हुआ हुआ है, कितना घिसा हुआ है, उस हिसाब से इन्होंने 3 categories बनाई हुई हैं। तीनों कैटेगरीज के अंदर इन्होंने उस हिसाब से प्राइस रेंज बनाई हुई है, और आज अभी इस वक्त मेरे सामने तीनों क्वालिटी के जूते हैं। तो हम सबसे पहले शुरू करते हैं वेरी गुड से। वेरी गुड क्वालिटी का जो जूता होता है उसके अंदर ओवरऑल सबसे ज़्यादा वेयर एंड टेयर होती है। इसकी जो प्राइस रेंज है वो 1,800 से 2,500 है, और इस रेंज के अंदर आपको वेरी गुड जूता मिल जाएगा। ये जूते देखें, दिखने के अंदर ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नल्ले जूते हैं, बिल्कुल ख़त्म जूते हैं। इसकी सोल भी इस वक्त काफ़ी अच्छी है, बट यू कैन टेल कि इस जूते के ऊपर थोड़ी सी वेयर एंड टेयर हुई हुई है, कहीं कहीं से चीज़ें उतरी हुई हैं, इसकी लेसेस जो हैं वो थोड़ी फजी हुई हुई हैं। तो देखने में ये लगता है कि यार इसका इस्तेमाल जो है थोड़ा सा ज़्यादा हो चुका है। अब हम आ जाते हैं अपनी एक्सेलेंट क्वालिटी के ऊपर। एक्सेलेंट क्वालिटी के अंदर भाई मुझे इत्तेफाकन एक जॉर्डन का जूता मिल गया था। मुझे नहीं पता कि ये कौन सा जॉर्डन है। यूजुअली मैं हाई टॉप जॉर्डन्स के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करता हूँ, लो टॉप जॉर्डन्स में मेरा इतना रुझान नहीं है, एंड आई डोंट रियली नो कि ये कौन सा जॉर्डन है। इट डज़ हैव अ जॉर्डन लोगो बिहाइंड इट, बट इट डजंट हैव द सूज। सो अगर यहाँ पर किसी को पता है कि ये कौन सा जॉर्डन है तो प्लीज़ लेट मी नो। इस जूते की क्वालिटी और ओवरऑल जो कंडीशन है वो बहुत बहुत सॉलिड है। आई थिंक कुछ कुछ जगह पे थोड़े थोड़े जो इस तरह इसका जो ऊपर का मटेरियल है उस पर एक हल्का सा निशान पड़ा हुआ है, बट आई थिंक अगर ये मुझे कोई पैक डब्बे के अंदर कोई देता तो मैं शायद सिवाय इसके कि उस डर्ट के मार्क्स हैं, यहाँ पे थोड़ी सी क्रीसेस पड़ी हुई हैं, इसके अलावा आई वुडंट हैव बीन एबल टू टेल कि ये जूता जो है वो पुराना है। तो ये इनकी एक्सेलेंट क्वालिटी है। एक्सेलेंट क्वालिटी की जो रेंज है खजाने.pk पे वो 3,000 rupees से 4,500 rupees तक जाती है, एंड लेट मी टेल यू कि ये सारे जूते ओरिजिनल ऑथेंटिक हैं, इसमें कोई भी रेप्लिका जूता नहीं है। फाइनली हम आ जाते हैं अपनी प्रीमियम क्वालिटी के ऊपर। प्रीमियम क्वालिटी के ऊपर भाई ये सकोनी का एक जूता है। आई हैव नेवर हर्ड ऑफ द ब्रांड, क्योंकि मैं रनिंग शूज़ ज़्यादा नहीं पहनता तो मुझे नहीं पता, बट ऑब्वियसली जूते को देख कर मैं बता सकता हूँ कि भाई जूते की जो है कंडीशन क्या है। इसका अगर आप आउटर सोल देखें तो बिल्कुल फ्लॉलेस है, कोई निशान नहीं है, कोई डर्ट का मार्क नहीं है, कोई कहीं से बेंड नहीं हुआ, कहीं से क्रीसेस नहीं पड़ी हुई, बेहतरीन जो है क्वालिटी के अंदर जूता है, ऑलमोस्ट एज गुड एज न्यू। और इसी वजह से, इस बेहतरीन कंडीशन की वजह से इनकी जो प्रीमियम क्वालिटी है उसकी प्राइस रेंज होती है 5,000 से 7,000 rupees। अच्छा यार, तो जूते तो आपने देख लिए, अब हम ज़रा बात कर लेते हैं कि मेरा ओवरऑल एक्सपीरियंस क्या था और मेरे क्या ख्याल आते हैं। भाई पहली चीज़ तो ये है कि देखें, ऑब्वियस सी बात है, इसको मैं हमेशा लाइट हाउस से कंपेयर करूंगा, क्योंकि लाइट हाउस एक वाहिद ऐसी जगह है जहां पे इस तरीके के जूते मिलते हैं, यूज शूज़ मिलते हैं। लाइट हाउस के मुकाबले में जो कुछ चीज़ें हैं जो मुझे लगता है कि इनकी बेहतर हैं वो ये हैं कि सबसे पहली चीज़ इनके बहुत लेटेस्ट जूते हैं। तो लाइट हाउस के अंदर मैं जब भी कोई पुराने जूते देखें दे हैव बीन वेरी 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 ओल्ड। तो सबसे बेहतरीन चीज़ ये कि इनके पास 2019 तक के मॉडल्स को जूतों के अंदर पड़े हैं। दूसरी चीज़ ये कि जब भी मैंने लाइट हाउस की वीडियोज़ बनाई हैं, मुझे बहुत सारे कराची से बाहर के जो मेरे फैंस हैं वो बोलते हैं कि यार हमें किसी तरह लाइट हाउस से कोई सेटिंग करवा दें ताकि हम लाइट हाउस से जूते मंगा सकें। एंड ऑब्वियसली मुझे नहीं पता कि लाइट हाउस वालों को बाहर भेजने नहीं भेजने, कंसिडरिंग द फैक्ट कि ये एक ऑनलाइन स्टोर है, ये पूरे पाकिस्तान में आपको डिलीवर कर देंगे। गो चेक देयर वेबसाइट आउट एंड आई एम प्रीटी श्योर आपको बहुत ज़बरदस्त किस्म की चीज़ें मिलेंगी। तीसरी जो बहुत ज़बरदस्त चीज़ है
वो है काउंटरफिट या जाली या नकली या रेप्लिका, कोई सीन नहीं है। देखें, आप लोग अगर मेरी वीडियोस देखते आ रहे हैं तो आपको अच्छी तरह अंदाजा होना चाहिए कि मुझे रेप्लिकास के अगेंस्ट कोई जजमेंट नहीं है, मेरा कोई बायस नहीं है। मैं बोलता हूँ भाई, अगर आपको शौक है, अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते असली जूता, तो आप रेप्लिका खरीदें, कोई टेंशन की बात नहीं है। बहुत सारे लोग पाकिस्तान में रेप्लिका इसलिए भी खरीदते हैं क्योंकि पाकिस्तान के अंदर असली जूते नहीं मिलते या असली जूते बहुत महंगे मिलते हैं। यहाँ पर khazane.pk आई थिंक एक बड़ा अच्छा अल्टरनेटिव है, बिकॉज इनके पास नंबर वन रेप्लिका नहीं है, ओरिजिनल ऑथेंटिक 100% रियल सामान है। दूसरी चीज़ ये कि प्राइस रेंज ऑब्वियसली कंपैरिजन अगर आप करें एक्चुअल प्राइस से तो बहुत कम है। एक छोटा सा बहुत सारे लोगों को यहाँ पे मसला होगा कि यार यूज़ जूते हैं, और बहुत सारे लोगों का, मेरा भी एक ज़माने में बहुत एक स्टीरियोटाइप था कि यार यूज़ जूते घिन आती है या बस क्रिंज होता है, मुझे नहीं पहनने, समझ नहीं आता था। बट जब मैंने आज जाके इनकी प्रीमियम क्वालिटी देखी है यूज़ जूतों की, तो मुझे अंदाजा हुआ कि यार यू नो व्हाट, व्हाई नॉट। khazane.pk की सबसे अच्छी जो मुझे चीज़ लगी वो ये कि जब मैं इनके ऑफिस में गया था तो इनका अपना एक फोटो बूथ है, अपना एक इनका सॉफ्ट बॉक्स है जिसके अंदर ये जूते के चारों तरफ से तस्वीरें ले रहे होते हैं। सो एवरीथिंग दैट यू सी ऑन द साइड, और ये मैंने आई मेड श्योर कि मैं इस चीज़ को चेक करूँ ताकि आप लोगों को कोई जो है वो गलत इन्फॉर्मेशन नहीं आए। जितनी भी तस्वीरें इनके पास इनके ऑनलाइन स्टोर के ऊपर हैं वो इनके एक्चुअल शूज़ की एक्चुअल इन्वेंटोरी की हैं, और जो भी चीज़ आपको नज़र आ रही है स्क्रीन पे वही चीज़ आपको जूते के अंदर अपने पैकेज के अंदर मिलेगी, जो कि मुझे लगता है बहुत बहुत अच्छी बात है कि लोग यू नो इंटरनेट से ली हुई तस्वीरें नहीं लगा रहे। गो चेकआउट khazane.pk, अगर आप खरीदना चाहते हैं तो आपकी मर्जी, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। वी डोंट हैव अ कूपन कोड हियर, तो ऐसा नहीं है कि आप खरीदेंगे तो डिस्काउंट मिलेगा या मेरे पास कोई चीज़ आएगी। बस आप डायरेक्ट जाके चेक करें एंड देन लेट मी नो व्हाट योर एक्सपीरियंस वाज। अगली एपिसोड तक के लिए इजाज़त दीजिए, दिस इज मी रामेश सेवा साइनिंग आउट, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।